हेलो एवरीवन सो वी आर डिस्कसिंग द लेंस लॉ एंड इट्स कनेक्शन विद द एनर्जी कंजर्वेशन सो आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है दैट मींस एनर्जी जो आपकी रहेगी वो कंजर्व रहेगी वही हम इसमें डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वही रिकैप कर लेते हैं लेंस लॉ क्या कहता है लेंस लॉ कहता है कि आप जब भी मैग्नेटिक फ्लैक्स को चेंज करेंगे और उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा दूसरी कॉल पर आपके पास तो उसमें जो कॉयल में करंट की डायरेक्शन है वो लेंस लॉ बताता है और करंट की डायरेक्शन कैसे होगी इन सच अ वे होगी कि आपके वो जो कॉज है कॉज ऑफ आपका जो इंड्यूस्ड करंट है उसको वो अपोज करे यानी कि इन सिंपल वर्ड्स लेंस लॉ क्या बताता है कि यहाँ पर अगर आप मैग्नेट को सपोज uh, ये वाला आपका मैग्नेट है उसको आप कॉयल के आगे पास में ला रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ला रहे हो तो यानी कि यहाँ पर नॉर्थ है तो आपका यहाँ पे इसको ये आगे आने नहीं देगा आगे आने कब नहीं देगा जब नॉर्थ के साथ जैसा ही आपका यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाए तो आप बोलोगे इस कॉल में आपका नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा और ऑब्वियसली बात है इसमें अगर कॉयल में यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है तो लास्ट में आपका साउथ पोल आएगा तो ऑब्वियसली इसमें आप क्या होगा नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन S. हो जाएगी तो आपका लेंस लॉ क्या बोलता है वो कॉल्स को ही आपका ओपोज कर रहा है यानी कि आगे आने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से इंडक्शन हो रही थी आगे आने की वजह से और वो क्या कर रहा है वो उसी चीज़ को रोक रहा है वो उसको आने नहीं दे रहा है तो इसी वजह से नॉर्थ होगा तो नॉर्थ यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा अगर यहाँ पर सपोज अगर हम इसको पीछे ले जा रहे होते बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहे होते तो इसको ये पीछे भी नहीं जाने देता फिर क्या करता है ये इस पोजीशन पे यहाँ पर साउथ पोल को इंड्यूस कर देता ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है लेंस ड्रो में बट यहाँ पर हमें क्या देखना है यहाँ पे हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सीखना है सो लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट मींस हियर मैकेनिकल एनर्जी इज कनवर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमेशा आप याद रखेंगे कि यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है यानी कि उसका ट्रांसफर हो रहा है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेंस वी कैन से दैट द एनर्जी इज़ कंज़र्वड तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि सपोज अगर आप यहाँ से इधर लेके जा रहे हो इसे तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ आपका ये नॉर्थ पोल यहाँ पे इंड्यूस हो गया है अब नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया है नॉर्थ और नॉर्थ में क्या हो जाएगी रिपल्शन हो जाएगी तो जाना तो इसको आगे था बट यहाँ पे ये जा नहीं पा रहा क्योंकि नॉर्थ पोल ही यहाँ पे इंड्यूस हो चुका है नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन हो चुकी है अब रिपल्शन होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये पीछे को मतलब ये आगे को नहीं जा पाएगा तो आगे को जाने के लिए कुछ आपका आपका वर्क डन करना पड़ेगा मैकेनिकल वर्क डन इस पर करना पड़ेगा तो वो मैकेनिकल वर्क डन यानी कि यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो जो ये वाली चीज़ है आपकी वह यही चीज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ कि यहाँ पर आपका ये साउथ पोल है यहाँ पर नॉर्थ पोल है यहाँ पर सपोज़ आपकी ये कॉल्स है तो अगर नॉर्थ पोल इधर को जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंस ये आगे को जा रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स आगे जाने की वजह से चेंज हो रहा है तो वो उसी चीज़ को अपोज करेगा तो यानी कि यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पर उसको अपोज करने के लिए क्या आ जाएगा नॉर्थ आ जाएगा ताकि ये आगे और ना बढ़े यानी कि अगर आगे आ रहा है तो आगे आने से भी रोकेगा नॉर्थ पोल यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में तो अगर नॉर्थ नौ, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा रिपलशन होने की वजह से क्या हो जाएगा रिपलशंस होगी तो ये आगे नहीं जा पा रहा है रिपलशंस होगी तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा सो so, आपकी यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ओके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी ये आपको ध्यान रखना है और इसका अगर दूसरा केस हम बनाएं सपोज यहाँ पर अगर मैं सपोज इसका नॉर्थ एंड साउथ ही है बट मैं इसके इसे क्या करी हुई यहाँ पर कॉयल है और इस मैगनेट को मैं इसकी दूसरी डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा ली तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से आपको पता है चेंज इन फ्लक्स आएगा इसकी वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगी अब ये जो इंड्यूस्ड ई एम एफ आएगी यानी कि कॉयल जो उसमें पोलरिटी कौन सी आनी चाहिए देखो लेंस नो के अकॉर्डिंग क्या होगा जिसकी वजह से आपके यहाँ पर इंड्यूस्ड हो रहा है करंट उसी को वो चीज़ अपोज करेगी यानी कि ये जाना चाहता है बैकवर्ड डायरेक्शन में अब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इसको ज्यादा जाने नहीं देगी तो ये क्या करेगी नॉर्थ पोल है इसको ये पास लाने के लिए नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर क्या कर देगी यहां पर ये साउथ पोल को इंड्यूस कर देगा तो यानी कि आपका जाना चाहते थे आप पीछे को बट नॉर्थ एंड साउथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आपको क्या है ये वाली दिक्कत आ रही है तो इसको ओवरकम करने के लिए आपको एक मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा यानी कि मैकेनिकल जो एनर्जी है इसको ओवरकम करने के लिए इंट्रैक्शन अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी लगेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी दैट मीन्स हमने देखा जो आपका लेंस लॉ है वो आपका क्या फॉलो करता है दैट फॉलोज़ द एनर्जी कंजर्वेशन ओके आपकी एनर्जी एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में तो पर भी वही लिखा गया ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, विल in, में पोल हो pole, आपकी जो रिपर्शन टेक प्लेस होगी इसकी वजह से क्या होगा आपका अगर आपको ओवरकम करनी है नॉर्थ एंड नॉर्थ के बीच के रिपल्शन को तो आपको मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा इसकी वजह से इस कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी राइट सिमिलरली अगर हमने नॉर्थ पोल ऑफ द मैगनेट को क्या करा अवे करा मूव अवे करा दूसरे केस में क्या करेगा अगर इसे मूव दूसरी साइड को करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ इंड्यूस हो जाना था राइट तो यहाँ पर सिमिलरली व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉयल देन साउथ पोल विल बी अपीयर ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कॉयल आएगा ओके फिर नॉर्थ एंड साउथ में अट्रैक्शन होगी इन अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए दोबारा से मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा हैंस अगेन आपका मैकेनिकल जो एनर्जी है इज कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी हेंस एट लास्ट कंक्लूजन इज मैकेल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व तो हमेशा आपको याद रखना है जो लेंस लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है होपफुली आपको समझ आया होगा थैंक यू सो मच